संजीवनी अस्पताल बाल एवं शिशु रोग, जनरल सर्जरी, प्लास्टिक सर्जरी, न्यूरो सर्जरी, नेत्र रोग, फिजियोथेरेपी, स्त्री एवं प्रस्तुति रोग, हृदय एवं शुगर रोग, हड्डी एवं जोड़ रोग, कार्डियोलॉजी, दंत रोग, इमरजेंसी चिकित्सक सुविधाओं में एक भरोसेमंद नाम है। ICU, NICU, कैथ लैब, एयर ट्रांसप्लांट, प्राइवेट कमरे, यूरोलॉजी, सीटी स्कैन, लैप्रोस्कोपी, एक्सीडेंट, ट्रॉमा, हार्ट अटैक, चले का इलाज, डायलिसिस की सुविधाएं उपलब्ध हैं। सभी मरीजों को खाना फ्री दिया जाता है। आयुष्मान भारत, हरियाणा सरकार और रिटायर्ड फौजी भाइयों के इलाज, इंश्योरेंस और TPA पैनल पर सभी सुविधाएं उपलब्ध। पूछताछ मोबाइल नंबर 7027566691। बहुत विश्वास पात्र और साढ़े सरसा जिला की अज की मीटिंग का जो युवा दे वे प्रभावी बन के इतने पहुंचे, मैंने इनका बहुत बहुत स्वागत करते हैं और जी आया कहना थोड़ा भी इतने पहुँचने स्वागत करते हैं। नवे साल की जी है तो आप पहला इकट्ठे हुए हैं, तुम्हें वधाई हो और किसान अंदोलन की वधाई हो। संगठन है 5 डिस्ट्रिक्टों का, ये अपना सिरसा, फतेहाबाद, भिवानी, हिसार और जींद। वैसे तो सब साथी कार्यकर्ता हैं, सबकी अपनी अपनी जिम्मेवारी है। अब जो वर्तमान में जिस उद्देश्य से मीटिंग रखी गई है, वो जो 16 तारीख का प्रदर्शन है, जिस तरह आपने इलाहाबाद में भी देखा होगा, और तो कुछ कहने के लिए इनके पास था नहीं, एक शोर मचा रखा था, बिना पर्ची बिना खर्ची की सरकार रोजगार दे दिए, गरीब के लड़के लगा दिए, पहले ऐसे लगते थे, हुड्डा साहब ने भी ऐसे लगाए, बजनलाल जी ने भी ऐसे लगाए, चौटाला साहब ने भी ऐसे लगाए, हमने ईमानदारी से लगाने का काम किया है। जो पूरा हरियाणा में शोर मचा रखा था, और आपका भी इलाहाबाद में एक एक गाँव में, और इन्होंने एक एक वार्ड में जाके जो दावे करते थे बड़े बड़े, उन दावों की पोल इनकी अपनी जो सरकार की एक एजेंसी है विजिलेंस, ये कोई विपक्ष की कहने की बात नहीं, इनकी अपनी एजेंसी ने खोल के रख दी। जब इनके अधिकारी को करोड़ों रुपए के साथ HPSC जो एक विद्यार्थियों का मंदिर है, जहाँ से सबसे बड़े पद, चाहे वो SDM का है, DSP का है, ETO का है, तहसीलदार का है, जहाँ इन पोस्टों पर नौकरियाँ लगती हैं, उसके कार्यालय में करोड़ों रुपये बरामद हो गए, इनकी पोल खुल गई। और जब इनको ये लगया कि इसमें तो सिर्फ नागर, अनिल नागर है, वो इन्वॉल्व नहीं है, मुख्यमंत्री के कार्यालय में इनके OSD हैं, ऑफ द रिकॉर्ड तो आप जैसे पत्रकार उनका नाम भी बताते हैं, इनके मंत्री शामिल हैं, RSS के लोग शामिल हैं, तो फिर इन्होंने आनन फानन में क्या कराया, उसको जुडिशियल कस्टडी में भिजवाने का काम कराया, वो पूछताछ से बंद कर दी, और जिन जिन ठिकाना पर ले जाना था वहाँ लेके नहीं गए। तो सारी पार्टियां ने, विपक्ष किया ने, इस पर प्रदर्शन भी करने का काम किया है। प्रदर्शन कांग्रेस पार्टी ने तो ऐसा कर दिया, अगर भाई सरकार के खिलाफ को नहीं, सैलजा ने हुड्डा के खिलाफ कर दिया और हुड्डा ने सैलजा के खिलाफ कर दिया। आपने भी देखा होगा बयान भी एक दूसरे के खिलाफ आए। हुड्डा साहब ने कहा अगर मैं तो कलरका का घेराव नहीं करता, फिर वे अपना दीपेंद्र क्यों भेज रहे ख्याल नहीं करता। तो जब सारा इंडियन नेशनल लोकदल के नेतृत्व ने इनका तमाशा देखा, तो अब अभय सिंह चौटाला के नेतृत्व में मीटिंग हुई, उसमें निर्णय लिया गया, आने वाली जो 16 तारीख है उसमें जो हमारे भाई करण है, करण चौटाला है, अर्जुन चौटाला हैं, युवा के प्रदेश अध्यक्ष हैं सरजीत संधू जी, हमारे छात्र विंग के हैं अरविंद गोस्वामी जी, इन सारे युवा नेताओं के नेतृत्व में हजारों की संख्या में वहाँ HPSC के सामने जहाँ प्रदर्शन करने का काम करेंगे प्रदेश के छात्र और युवा, वहीं जो डिग्रियां की कॉपी हैं फोटो कॉपी हजारों की संख्या में करण और अर्जुन के साथ साथ सारे जितने भी युवा वहाँ पहुँचेंगे उन फोटो कॉपियों को जलाने का काम करेंगे और एक संदेश देने का काम करेंगे पूरे भारतवर्ष में, अगर हरियाणा प्रदेश में इन डिग्रियों की कोई कीमत नहीं है, इसलिए हम इनको जलाते हैं क्योंकि ये रोजगार देने में सक्षम नहीं है। साथ के साथ पार्टी ने यह भी निर्णय किया है 17 तारीख को 11 बजे युवा साथी अर्जुन चौटाला और करण चौटाला के नेतृत्व में गवर्नर से मिलके ये मांग करेंगे कि किसी निष्पक्ष एजेंसी से, सिटिंग जज से इसकी जांच करवाई जाए, ताकि उन लोगों को भी सामने लिया जा सके जो इसके पीछे थे, जो पैसे लेते थे, और जो उन
युवाओं के सपनों को कुचलने का काम करते थे, जो रोज कोचिंग सेंटरों में अपने माँ बाप की खून पसीने की कमाई देने का काम करते हैं, दिन रात मेहनत करते हैं, उनके सपनों को तोड़ने का काम जो लोग कर रहे थे उनके नाम सामने आ सकें, उसी लिए आज सिरसा जिले की ये मीटिंग है जिसमें हमारे सारे सीनियर नेता, जिला प्रधान और जो सारे सीनियर साथी हैं वो उसकी तैयारियों के लिए आए हुए हैं, युवा साथियों को सहयोग देने के लिए आए हुए हैं, उस संदर्भ में आज हम सारे साथी इकट्ठे हुए हैं। तो इसमें किस तरह का पूरे प्रदेश भर के लोग जुटेंगे? बिल्कुल, पूरे प्रदेश भर के लोग जुटेंगे और सबसे बड़ा प्रदर्शन होगा हरियाणा प्रदेश का युवा आज तक का। आज तक किसी में 2000 की संख्या का भी यूथ का प्रदर्शन नहीं हुआ है। आप पर तो सारी वीडियो मिल जाएगी पत्रकारों पे। आप देखो अब जिस युवा कांग्रेस के इलेक्शन में 8 लाख वोट आवे हैं, जो बुद्धि राजा बनया है इनका, ये दावे करते हैं पूरा यूथ वोट तो 8 लाख, और जब उसमें 800 आदमी हो तो फिर मैं जवाब दे हूँ आपके प्रति जो प्रदर्शन था। 8 लाख वोटर यूथ, 800 भी कोनी, इसका मतलब यू है अगर वो भी फर्जीवाड़ा था सारा, जिसमें अपनी जेब से 50-50 रुपये भर के और लोगों के आई कार्ड और आधार कार्ड मांग के वो फर्जीवाड़ा करके 8 लाख वोट गिड़वा दिए और जो हकीकत आई तो 800 भी नहीं मिले। आज पूरी तरह से युवा इंडियन नेशनल लोकदल के साथ भाई अभय सिंह का साथ देने का निर्णय कर चुके हैं और ये बात प्रमाणित हो जाएगी 16 तारीख को पंचकुला के 5 सेक्टर में। एलपीडी टीचर्स निकालेंगे, अब ड्राइंग टीचर्स को निकालने की शुरुआत चल रही है जी, ये तो निकालने पर लगे हुए हैं, निकालेंगे तो ये तो लोग पैसे देने आओगे नहीं। किसानों का आंदोलन समाप्त हो गया है, इसके बावजूद किसान है आज भी कहीं ठंडे नहीं हुए हैं। आज हरियाणा के बिजली मंत्री रणजीत सिंह को सिरसा जिला के गांव मरोड़ी में काले झंडे दिखाए गए हैं, इसको आप कैसे देख रहे हैं? देखिए किसान के अंदर एक आग है भाई, उसका हक छीना गया है, आज कर्जे के नीचे दबा हुआ है और उसको कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा। और जो नारा दिया गया था अगर वह 2022 तक आमदनी डबल कर देंगे, वह 22 जब आती दिखाई दे रही है और आमदनी आती भी नहीं रही, तो जो ये उनका अंदर का आक्रोश है यूँ सामने आ रहा है। और जब तक सरकार कोई इस तरह का प्रबंध किसान के लिए नहीं करेगी, अगर आराम से अपना जीवन यापन कर सके, बच्चों की फीस दे सके, इलाज करवा सके और अपना जीवन जी सके ठीक ढंग से, तब तक ये बार बार किसी न किसी रूप में ये आक्रोश सामना आता रहेगा, ये रुकने वाला नहीं है। कौन लोग हैं जो आपने कहा कि कुछ और मंत्री और कुछ और आरएसएस के लोग शामिल थे इस फर्जीवाड़े में, कौन लोग हो सकते हैं? यही तो जांच का विषय है जी। मैं तो सिर्फ अपनी राजनीति चमकाने के लिए किसी का नाम ले दूं बिना तथ्य के। तथ्य जिस आदमी के पास थे वो जेल में भेज दिया जी। जो कोई सिटिंग जज जांच करेगा तो फिर वो सारी चीजों का पता करेगा और वो नाम भी सामने आएंगे। नाम सामने आएंगे तो उसी दिन सरकार गिर जाएगी। सर मनोहर लाल खट्टर ने बोला था कि हम प्राइवेट एजेंसी को ना देके खुद की एजेंसी बनवाएंगे पेपरों के लिए, तो ये पॉसिबल होगा? तो खुद तो ये उन तो भी बड़े चोर हैं प्राइवेट एजेंसी दे भी, उनने तो उसके कोई थोड़ी बहुत अपने पैमाने रखे हों, इनका हाथ में जब चला गया तो फिर तो सत्यानाश करके रख देंगे। मैं जी अभी झज्जर में जेजेपी ने अपने तीसरे स्थापना दिवस को लेकर रैली की है और उस रैली में ये कहा गया कि दुष्यंत के नाम के आगे से वोट हटाना है, मुख्यमंत्री इसको बनाना है, 20% शाही है 100% करनी है। आपको लगता है कि इस सरकार में दोनों में कहीं कहीं दरार आ चुकी है जिसको लेकर के मुख्यमंत्री और आया सीएम आया के नारे फिर से लगने शुरू हो गए हैं झज्जर में? देखिए आपने एक बात और को नहीं सुनी उड़े जी, चंडीगढ़ तो जीत ली, दिल्ली की बारी है जी। 10 मत एक सीट भारतीय जनता पार्टी को दी इन्हें मांगी, और उड़ा तो 276 चाहिए दिल्ली खातिर। तो अजय भाई साहब ने जो कहा है अपना भाषण में, वो तो नहीं कहा भाई तो दिल्ली जीतनी है जी। और चौटाला साहब ने प्रेस नोट में कहा था भाई काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ दी, इनने एक आया सीएम आया सीएम कह के देख लिया, इब दोबारा ये नहीं सोचे हैं, इनकी एक ही बात है, इनमें कोई आप सोचो नहीं मैं इनमें कोई डिफरेंस आया है, कुछ नहीं, सारा लूट का हिस्सा बन रहा है, मंत्रालय बन रहा है, मंथली बन रही है, और ब्यूरोक्रेट्स में तो ये है भाई ऊपर पैसा जा रहा है, तो इनमें कोई लड़ाई नहीं है। या तो ये है भाई बुक आया कि जिस तरह इन्होंने पहले लोग साथ लगा लिए थे, ये उनको दोबारा सीएम के नाम पर साथ लगा लें, इसमें ना तो इन्हें दोबारा सीएम बनना, इनको तो एमएलए बन के भी लाले पड़ने वाले हैं, सीएम तो बहुत बड़ी बात है। रैली तो आपने देखी होगी, इन 500 ठेकेदार हैं जो इनके,
जो जिनको ये ठेके देते हैं, हालांकि पैसे दे के ठेके देते हैं, चाहे वो PWD के हैं, चाहे वो पंचायत डिपार्टमेंट के हैं, चाहे वो एक्साइज के हैं, 500 बस जुम्मन लगाई थी उनके। अब एक ठेकेदार कोई एक ले गया होगा, कोई दो ले गया होगा, वह संख्या 1,00,000 आदमी की बने थी और उसमें 10,000 आदमी भी को नहीं पहुँचे, जिनमें इसके MLA भी आ गए, इनके चेयरमैन भी आ गए, इनका पूरा संगठन आ गया। 10,000 आदमी नहीं पहुँचे, इससे इनकी जो पार्टी की संगठन की जो है नहीं मजबूती, वो आप लोगों के सामने है, वो तो वीडियो पड़ी है, लोग गिन लो आप। ये तो थोड़ा टाइम 3 साल पड़ा है, नहीं तो कोई घुसन नहीं देगा इन नगामा में, क्योंकि जितनी बड़ी बड़ी बात करी थी कोई उस चीज़ का, आप देखो 75% रोजगार का, आप कह रहे हैं पुराने वाले तो रहेंगे। दुष्यंत ने जो कहा था भाई 12,00,000 बेरोजगार लग सकते हैं गुड़गांव में, बाहर के लोग 12,00,000 कर रहे हैं नौकरी, यदि 75% आरक्षण हो गया तो 9,00,000 हरियाणा के लगेंगे, 9,00,000 हरियाणा के लगेंगे तो बेरोजगारी नहीं रहोगी। ईब उसने कहना शुरू कर दिया, जो लग रहे हों तो लगे रहेंगे, नई जो कंपनी आऊँगी वो 3 साल मौका मिलेगा, वो अपने हिसाब से लगाओ, फिर लगाओगा कौन? जिस तरह से दोनों ये वादे थे, 75% रोजगार की बात थी, महिलाओं को 50% जो हिस्सेदारी पंचायत में, ये दो वादे खूब बनाए गए। हालांकि दोनों ही मामले कोर्ट में हैं, 75% जो पंचायत को लेकर जो आरक्षण दिया था वो कोर्ट में है, कोर्ट ने उसमें कहा भी है भी क्योंकि सेंसिटिव मैटर है ये, और सरकार चाहे तो पुराने नियमों पे चुनाव करा सकती है। दूसरा जो 75% का जो मामला था उसमें ये कहा सरकार ने कि हाई कोर्ट ने कि क्यों ना इसको जो है आदेश को जो है रद्द कर दिया जाए, इस बिल को रद्द कर दिया जाए, क्योंकि ये पॉसिबल नहीं है। आप कैसे मानते हैं दोनों ही मामले को? ये जानबूझ के इसको डिसाइड नहीं करवाना चाहते, ताकि जो नुमाइंदे पब्लिक चुन के भेजती, चाहे वो सरपंच है, ब्लॉक समिति के मेंबर हैं, जिला परिषद हैं, वो अपने हिसाब से अपनी देखरेख में काम करवाते। अभी उन्होंने लूट मचाई हुई है, एक एक गांव एक एक कार्यकर्ता को बांट रखा है, भाई इस गांव के यू काम करेगा, इस गांव के वो करेगा, और उनकी सीमेंट की ईंटा की वो लगवा रखी फैक्ट्री, बुरी तरह से जो है नहीं धांधली करने का काम कर रहे हैं। जितना लंबा चलेगा उतनी लूट लंबी चलेगी, ये इसलिए पंचायत के चुनाव करवाना ही नहीं चाहते।